गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ आवर टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण मीन्स जंगल और जंगल में रहने वाले जानवरों की देखभाल। देखिए फर्स्ट एक्टिविटी 7.2 में क्या लिखा गया है, एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डेफोरेस्टेशन। हाउ? वनोन्मूलन से वन्य प्राणी या जंगल के जो जीव हैं उनका जीवन भी प्रभावित होता है। हाउ? कैसे? लिस्ट द पॉइंट्स एंड डिस्कस देम इन योर क्लास। इन कारणों की एक लिस्ट बनाइए यानी सूची बनाइए और अपनी कक्षा में इस पर डिस्कस कीजिए यानी चर्चा कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7.3 कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जंगल और जंगल के जानवरों की संरक्षण यानी उनको हम कैसे सेव कर सकते हैं। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन पहेली एंड बूझो आर वरिड। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहेली एवं बूझो चिंतित थे। दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। वे प्रोफेसर अहमद के पास गए तथा उन्होंने पूछा कि वन एवं वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। देखिए प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली बूझो एंड देयर क्लासमेट्स। प्रोफेसर अहमद ने पहेली बूझो और एवं उसके क्लासमेट के लिए जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया यानी घूमने गए। ही सेलेक्ट्स अ प्लेस नेम्ड, उन्होंने प्लेस सेलेक्ट किया जिसका नाम था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व यानी पंचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज यूनिक। ही रिक्वेस्ट माधव जी अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। He explains that preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage. देखिए क्या बताया है कि उन्होंने एक जगह घूमने की निश्चित किया जिसका नाम था पंचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान हैं। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी जो वहाँ के एम्प्लॉय थे माधव जी से जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों को मार्ग निर्देशन यानी बच्चों को समझाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। माधव जी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल इफर्ट्स एंड इफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु काम करती है। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम विधियां और नीतियां बनाती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क्स बायोस्फीयर रिजर्व्स इटीसी। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम विधियां और नीतियां बनाती हैं। आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। वन्य जंतु अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं। देखिए एक यहाँ पे आपको
दिया गया है, येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है. देखिए, बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिट और विच सपोर्ट्स लाइफ. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट. जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य हैं. सजीव जो होते हैं वो जीवन जीते हैं. जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, यानी जितने भी कैटेगरी के प्रजाति पाए जाते हैं उन सब का जैव मंडल से, जैव विविधता से कंसल्ट है. उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण में उनका संबंध, इसी के बारे में हमने अभी चर्चा की. नेक्स्ट एक्टिविटी 7.3 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.